तो कोरोना वैश्विक महामारी से दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहां संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीय डॉक्टर सोभी बंसल भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो गई थी, जिसने कोरोना से जंग जीती और अब वह सोशल मीडिया पर अपने देशवासियों को जागरूक करने में जुटी हुई है। हम कौन थे, क्या हो गए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरभि बंसल, फिजियोथेरेपिस्ट, जयपुर राजस्थान की रहने वाली, यहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में पिछले 5 वर्षों से रह रही हूँ। दोस्तों, मुझे पिछली 15 मार्च को पहली बार फीवर आया। 16 मार्च की सुबह मुझे अर्जेंट केयर लेके गए, वहाँ जाते ही कोरोना टेस्टिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने डॉक्टर के पास रेफर किया। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मेरा फीवर चेक किया और फीवर चेक करके मुझे आइबुप्रोफेन नामक दवाई दी। आइबुप्रोफेन लेके मैंने 2 दिन देखा, लेकिन मुझे मेरे फीवर में कोई आराम नहीं आया। जब 2 से 4 दिन हो गए और मेरे फीवर में कोई कमी नहीं आई, मुझे फिर से बहुत तेज फीवर आता गया, 101 से 102 और 102 से 102.9 फीवर बढ़ता ही चला गया। इसी दौरान हमने इंडियन एम्बेसी फोन किया। इंडियन एम्बेसी से जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप कृपया करके कोशिश कीजिए कि घर रह के ही अपनी समस्या का निजात पाइए, आप संक्रमित नहीं हुए और आप हॉस्पिटल गए तो हो सकता है कि आप वहां से कोरोना जैसा संक्रमण तो लाएं या ना लाएं, लेकिन नोजोगोमियल इन्फेक्शन को घर पर लेके आ सकते हैं। सबकी कोशिशें ही हमें इस कोरोना, वैश्विक कोरोना महामारी से बचा सकती है। मैं अपनी जिह्वा को हरिवंश राय बच्चन जी की इन 4 पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।